हेलो चिल्ड्रन, दिस इज़ आवर सेकेंड वीडियो ऑफ चैप्टर 3, एक्ट ऑफ काइंडनेस। इन फर्स्ट वीडियो वी आर सीन दैट काइंड ट्री हाउ मच हेल्पफुल टूवर्ड्स मोहन, वो कितना हेल्पफुल था, वो मोहन की किस किस तरह से हेल्प कर रहा था। सो चिल्ड्रन, नाउ टुडे वी विल रीड फ्रॉम दिस लाइन अबाउट द केयरिंग ट्री। केयरिंग ट्री वॉज ग्लैड टू मेक मोहन हैप्पी। ये क्या, क्यों हैप्पी करवाया था मोहन को? क्योंकि इसने अपने ब्रांचेस दिए थे मोहन को, हाउस बनाने के लिए इसने अपने ब्रांचेस दिए थे, तो ट्री तो हैप्पी था उसकी हेल्प करके, और मोहन उससे हेल्प लेकर के बहुत खुश था और वो वहाँ से हैप्पीली गया। ओके, मोहन डिड नॉट टर्न अप फॉर मेनी ईयर्स। द ट्री वॉज अगेन लोनली एंड सैड। मोहन फिर से बहुत दिनों से नहीं आया था उसके पास, और ट्री काफ़ी लोनली फील कर रहा था और वो सैड भी था। वन हॉट समर डे मोहन केम बैक। द ट्री वॉज थ्रिल्ड। समर डे था, गर्मी का मौसम, मोहन आया ट्री के पास और ट्री काफ़ी खुश था कि आज मोहन मेरे साथ खेलेगा। सो ट्री हैप्पीली सेड दैट कम लेट अस प्ले। उसने कहा कि आओ चलो खेलते हैं। आई एम गेटिंग ओल्ड, आई वॉन्ट टू गो फॉर सेलिंग टू रिलैक्स माई सेल्फ। उसने बोला कि मैं अब ओल्ड हो चुका हूँ और मैं प्ले नहीं करूँगा और मुझे अपने आप को रिलैक्स करने के लिए एक बोट की ज़रूरत है। सो आई नीड अ बोट, सेड मोहन। कैन यू गिव मी अ बोट? उसने कहा कि मुझे एक बोट की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे एक बोट दोगे? सो ट्री सेड दैट यूज़ माई ट्रंक टू बिल्ड योर बोट, यू कैन सेल फॉर अवे ऑन योर बोट एंड बी हैप्पी। उसने बोला कि तुम मेरे ट्रंक का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ऊपर ये जो ट्रंक है इसका यूज़ कर सकते हो और इससे तुम बोट बना सकते हो और बोट सेल करो और खुश रहो, ठीक है। ट्री हर तरह से चाहता था कि मोहन खुश रहे, हैप्पी रहे। सो मोहन कट द ट्री ट्रंक टू मेक अ बोट। ही वेंट सेलिंग एंड डिडंट कम बैक फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। वो फिर काफ़ी दिनों से नहीं आया, ट्रंक तो ले गया बोट बनाने के लिए और जाकर के वो सेल भी कर रहा था, पर ट्री के पास वो फिर से काफ़ी टाइम से नहीं आया था। सो फाइनली मोहन टर्न्ड आफ्टर मेनी ईयर्स लुकिंग एट हिम। द ट्री वॉज बोथ हैप्पी एंड सैड एट द सेम टाइम। मोहन काफ़ी सालों के बाद आया, ठीक है, और इस समय दोनों हैप्पी भी थे और सैड भी थे। इट सेड सॉरी सॉरी माई बॉय, नाउ आई डोंट हैव एनी थिंग फॉर यू एनी मोर, नो एप्पल्स, नो शेड एंड नो वुड। ट्री ने कहा कि सॉरी, मुझे माफ़ करो, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें दूँ, ना तो एप्पल्स है मेरे पास, ना ही ब्रांचेज हैं, ना ही ट्रंक है, कुछ भी नहीं है, ना ही वुड है, अब मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊँगा। आई एम वेरी ओल्ड नाउ, आई डू नॉट नीड मच, जस्ट अ प्लेस टू रेस्ट, रिप्लाइड मोहन। ग्रेट, अ ट्रीज स्टम्प इज़ द बेस्ट फॉर सपोर्टिंग योर बैक। उसने बोला कि अब मुझे कुछ भी ज़रूरत नहीं है, मोहन ने कहा कि अब मुझे ऐसी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस रिलैक्स की ज़रूरत है, मैं सिर्फ रिलैक्स चाहता हूँ। तो ट्री ने कहा कि ट्री स्टम्प जो है ये यहाँ पर, सॉरी मोहन ने कहा कि ट्री स्टम्प जो तुम्हारे पास है ये बहुत अच्छा है, जो मुझे रिलैक्स करवा सकता है, मेरे बैक को रिलैक्स करवा सकता है। ग्रेट, अ ट्रीज स्टम्प इज बेस्ट फॉर सपोर्टिंग योर बैक। सो सेड द केयरिंग ट्री टू मोहन। केयरिंग ट्री ने ही मोहन से कहा, ठीक है ना, और अभी भी ट्री ने ही मोहन से कहा, है ना। मोहन को रेस्ट की ज़रूरत थी, मोहन को रेस्ट की ज़रूरत थी, और अभी भी ट्री मोहन की हेल्प कर रहा है। उसने कहा कि जो मेरा स्टम्प है ये बहुत अच्छा होता है, तुम इस पे बैठ कर, यहाँ बैठ करके इस तरह से अपने बैक को रिलैक्स करवा सकते हो। मोहन सैट डाउन एंड रेस्टेड हिज बैक। द ट्री वॉज ग्लैड एंड स्माइल्ड विथ टीयर्स।
यहाँ पे वो रेस्ट करने लगा। और ट्री भी अब खुश था क्योंकि मोहन उसके पास बैठा हुआ था, एंड दे बोथ हैप्पी। सो व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी स्टूडेंट्स? बी जेंटल एंड हेल्पफुल टुवर्ड्स अदर विदाउट एनी एक्सेप्शंस। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि हम लोगों को जेंटल और हेल्पफुल रहना चाहिए दूसरों के प्रति। ठीक है, और कोई भी उससे आप रिटर्न में चाहते हो ना कि मैं उसकी हेल्प करूँगा तो मुझे उसके बदले में क्या मिलेगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ओके, सो चिल्ड्रन, काइंडनेस इज अ वेरी ग्रेट क्वालिटी एंड वी शुड ऑलवेज बी काइंड टुवर्ड्स आर फैमिली फ्रेंड्स, है ना। तो हम लोगों को हमेशा काइंड रहना चाहिए। एंड डू यू नो, काइंडनेस ऑल्सो इम्प्रूव्स आर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ब्रिंग्स पीपल टूगेदर। ओके, सो चिल्ड्रन, नाउ दिस इज टाइम टू डू एक्सरसाइज। राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। मोहन प्लेड अराउंड द ट्री एवरी डे। इट इज ट्रू स्टेटमेंट, मोहन एवरी डे ट्री के साथ प्ले करता था। सो हियर विल राइट टी। द ट्री लव्ड मोहन होल हार्टेडली। जो ट्री था वो मोहन से पूरे दिल से प्यार करता था, करता था ना, तभी तो वो उसकी हमेशा हेल्प करता रहता था। सो हियर राइट टी। थर्ड, द ट्री डिड नॉट अलाउ मोहन टू सेल इट्स एप्पल्स। इज इट राइट चिल्ड्रन? ट्री अलाउ नहीं किया था मोहन को अपने एप्पल्स सेल करने के लिए? नो, इट इज़ नॉट ट्रू। सो वी विल राइट हियर एफ बिकॉज इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। मोहन यूज्ड द ट्री ट्रंक टू मेक अ बोट फॉर सेलिंग। यस, ही यूज्ड ट्री ट्रंक टू मेक अ बोट फॉर सेलिंग। सो राइट टी हियर। आफ्टर सेलिंग मोहन नेवर रिटर्न्ड टू द ट्री। सेलिंग, जब बोट सेल करने के लिए गया वो, तो क्या वापस नहीं आया था? आया था। ही रिटर्न बैक व्हेन ही वॉज वेरी ओल्ड। बहुत जब बूढ़ा हो गया था वापस फिर से ये ट्री के पास आया था। एंड व्हाट ट्री गेव एट दैट टाइम? इट गेव्स इट्स स्टम्प। उसने अपने स्टम्प दिए थे ताकि मोहन वहाँ पर रिलैक्स कर सके। ओके, सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर वन, व्हाट डिड द ट्री गिव मोहन? ट्री ने क्या दिया था मोहन को? हैव यू रिमेम्बर्ड? द ट्री गेव एप्पल्स, ब्रांचेस, ट्रंक एंड ऑल्सो इट्स लव। सबसे बड़ी चीज़ उसकी काइंडनेस, है ना। सो ट्री गेव दिस ऑल थिंग्स। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाई डिड मोहन स्टॉप प्लेइंग विद द ट्री? मोहन क्यों खेलना बंद कर दिया था ट्री के साथ? मोहन स्टॉप प्लेइंग विद द ट्री बिकॉज ही वॉज बिजी इन अदर एक्टिविटीज़। क्योंकि अब वो बड़ा हो रहा था तो धीरे धीरे उसके पास उसके घर की, उसकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ रही थी, तो इसलिए अब वो ट्री के साथ खेलना बंद कर दिया था। ओके, थर्ड, व्हाट वॉज द ट्री हैप्पली, व्हाई वॉज द ट्री हैप्पली एंड सैड एट द सेम टाइम व्हेन मोहन केम टू मीट इट आफ्टर ही हैड बिकम अ वेरी ओल्ड मैन? जब मोहन ओल्ड मैन हो गया था और वो ट्री के पास आया तो ट्री उसे देख करके हैप्पी भी हुआ और फिर सैड भी हुआ। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब ट्री मोहन को देख करके तो हैप्पी हुआ, लेकिन सैड इसलिए हुआ क्योंकि अब उसके पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जो अब वो देकर मोहन की हेल्प कर सके। सो आंसर विल बी द ट्री वॉज हैप्पी टू लुक मोहन। ओके, आफ्टर मैनी ईयर्स, काफ़ी सालों के बाद देख करके उसको वो खुश हुआ, बट सैड बिकॉज ही डोंट हैव एनीथिंग। अब उसके पास कुछ भी नहीं था, ठीक है, इसलिए वो सैड हो गया कि अगर मोहन को किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हाउ डू इट हेल्प। फोर्थ, व्हाट डिड मोहन डू टू बिल्ड हिज हाउस? मोहन को किस चीज़ की ज़रूरत थी उसका घर बनाने के लिए? मोहन
मोहन ने क्या किया था अपने घर हाउस को बनाने के लिए? मोहन चॉप्ड ऑफ ट्री ब्रांचेस टू बिल्ड हिज हाउस। उसने ट्री ब्रांचेस चॉप किए थे, कट किए थे, जिससे वो अपना हाउस मेक किया था। ओके चिल्ड्रन, सो दिस इज फॉर टुडे एंड राइट डाउन क्वेश्चन आंसर्स इन योर फेयर नोटबुक एंड प्रॉपरली। आई एम सीइंग दैट मोस्ट ऑफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग फॉर योर हैंड राइटिंग प्रैक्टिस। योर हैंड राइटिंग इज गोइंग टू बी पुअर इफ़ यू विल नॉट यूज़ योर हैंड राइटिंग्स। आप लिखोगे नहीं अच्छे से, उसको प्रॉपरली नहीं राइट डाउन करोगे, तो आपकी हैंड राइटिंग जो अच्छी थी वो पुअर हो जाएगी। ओके, एंड यू आर नॉट लर्निंग ऑल्सो। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स कंप्लेनिंग यू आर नॉट लर्निंग प्रॉपरली। सो चिल्ड्रन, जस्ट लर्न योर चैप्टर्स। ओके, थैंक यू।